ये फ्रेंड्स, तो आज मैं सरस्वती माता जी की मूर्ति को पेंट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने उनके फेस पर, हाथों पर स्किन कलर कर दिया है। फ्रेंड्स, अब मैं माता जी के ब्लाउज पर रेड कलर करूँगा। तो आप देखिए, मैं रेड कलर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैंने रेड कलर कर लिया है। अब मैं उनके होठों पर भी सेम वही रेड कलर पेंट करूँगा और आँखों पर वाइट कलर करूँगा। आँखों पर व्हाइट कलर करने के बाद अब मैं मुकुट पर गोल्डन कलर करूँगा। तो उसकी मैंने दो तीन लेयर लगाई, तब जाकर वो गोल्ड कलर का लग रहा है। फ्रेंड्स, मैंने मुकुट पर गोल्डन कलर कर लिया है। अब मैं उनके सभी गहनों पर गोल्डन कलर करूँगा। तो मैंने उनकी इयररिंग पर, गले के हार पर गोल्डन कलर कर दिया है। सभी गहनों को कलर करने के बाद अब मैं उनके हाथों पर पिंक कलर करूँगा। सेम पिंक कलर मैं उनकी आईज के ऊपर भी कर दूंगा। अब उनके हाथ में पकड़ी हुई वीणा को मैं सॉइल कलर से पेंट कर दूंगा। उसके बाद मैं उनकी आईब्रो को पेंट करूंगा। तो उसके लिए मैंने पतली पीली और ब्लैक कलर का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, मैंने माता जी की एक साइड की आँख बना ली है। मैं दोनों साइड की आँख बना लूँगा और उनके माथे पर बिंदी लगा दूँगा। बिंदी मैंने रेड कलर की बनाई है। अब मैं उनके बालों को ब्लैक कलर से पेंट करूँगा। तो बालों को पेंट करने के बाद मैं उनकी उंगलियों पर रेड कलर की लाइन लगा दूँगा। फ्रेंड्स, मैंने सभी हाथों पर सेम कलर की लाइन्स लगाई हैं, रेड कलर की। और उनकी उंगली के ऊपरी भाग को मैं रेड कलर से पेंट कर दूंगा। फ्रेंड्स, मैं सरस्वती माता जी के सभी हाथों को पेंट कर लिया है। अब मैं उनकी पैर की उंगलियों पर लाइन बनाऊंगा और पैर की उंगलियों को भी पेंट कर दूंगा रेड कलर से। और अब मैं उनकी हथेली पर मेहंदी या फिर एक फूल का डिज़ाइन दे दूंगा। फ्रेंड्स, कमल और माता की साड़ी के बीच में थोड़ा व्हाइट कलर का खाली खाली जगह लग रही थी, तो मैंने वहाँ पर येलो कलर पेंट कर दिया है। ये खाली जगह भरने के बाद बहुत सुंदर लग रही है। फ्रेंड्स, कमल की पंखुड़ियों के नीचे मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ, जिससे ऐसा लगे कि इसके नीचे पत्तियाँ हैं। फ्रेंड्स, मैंने माता सरस्वती जी के कमल को व्हाइट कलर का रखा है कि वो व्हाइट कलर की रहती है, तो मैंने ज़्यादा कुछ पेंट नहीं किया उस पर। अब मैं उनके नीचे के सरफेस को सॉइल कलर से पेंट कर दूंगा। और सरफेस को पूरी तरह से पेंट करने के बाद अब मैं उनकी वीणा पर धागे बनाऊंगा। तो उसके लिए मैंने व्हाइट कलर और एक पतली तीली ली है। फ्रेंड्स, अब मैं माता जी के मुकुट को डिज़ाइन दूंगा। तो उसके लिए मैंने रेड कलर की थोड़ी मोती बनाए हैं। सभी ओर मैं रेड कलर की मोती बना लूँगा। मैंने उनके कान के कुंदन के बीच में भी मोती बना दिए हैं रेड कलर के। और अब माता जी के मुकुट पर ग्रीन कलर की मोती बनाऊँगा। फ्रेंड्स, माता जी का कमल पुष्प व्हाइट कलर का अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसमें मैंने सिल्वर ग्लाइटर पेंट किया है। और अब मैं माता जी की साड़ी की बॉर्डर को गोल्डन कलर से पेंट करूंगा। सेम प्रोसेस मैं सभी और पूरी साड़ी की किनारी पर कर दूंगा। इसके बाद मैं माता की साड़ी को थोड़ा शाइनी लुक देने के लिए गोल्डन ग्लाइटर से पेंट कर दूंगा। फ्रेंड्स, अब मैं माता जी के रेड रेड ब्लाउज पर गोल्डन कलर की बिंदियां बनाऊंगा। फ्रेंड्स, तो अब हमारी सरस्वती माता जी का फाइनल लुक देखने के लिए तैयार हो जाइए। तो फ्रेंड्स, कमेंट कर जरूर बताना कि हमारी माता जी का फाइनल लुक कैसा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही ढेर सारी वीडियो मैं डालता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।